डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरे वो सभी दोस्त जो यूई के अंदर आ रहे हैं या जिनका यूई के अंदर वीज़ा कैंसिल हो चुका है, वो नई कंपनी में जा रहे हैं, ये देखें उनका क्या हाथ है। खुदाया किसी को पैसे ना दें वीज़े के लिए यार, मेहरबानी करें। जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हैं, आपके पास तो वीज़ा कैंसिलेशन के बाद जो टाइम होता है उसके दौरान या तो वीज़ा लगवा लिया करें। अगर आप यूई के अंदर आते हैं किसी वीज़ा पे, जॉब सर्चिंग वीज़ा पे या जॉब पे आते हैं, तो जो टाइम पीरियड उसके दौरान अगर वीज़ा नहीं लगता है तो वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया करें। बाद में यूई के अंदर इलीगल होने का फ़ायदा नहीं। और ये एजेंट लोगों के हाथ है यार, ये देखें लोगों को इतना ना रुलवाओ कि क़यामत के दिन मेरे वो ऊपर अल्लाह की ज़ार बैठी हुई है, वो नहीं माफ़ करेगी। कितना आप लोगों को रुलवाओगे यार, ये एक वॉयस सुन लें उसके बाद यकीन मानिए आप लोग भी रोना शुरू कर देंगे यार। एजेंट लोग, इनको पता नहीं, एजेंट लोगों को किसी का एहसास नहीं है, पता है नहीं, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए पर पैसा। पैसे के अलावा उनको ये नहीं है कि ये बंदा इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बंगला किसी जगह से भी है, पर पैसा आना चाहिए। और फिर एजेंट गए, ये नहीं कि उस बंदे के पास पैसे थे, उन्हें कहाँ से लिए, कैसे लिए, किन मुश्किल का वो सामना करना पड़ेगा, ये एजेंट लोग कभी भी नहीं सोचते हैं। और खुदाया आते हैं, गलती एजेंटों की है ही है, लेकिन आप लोगों की है जो आप लोग उनको पे यकीन करते हैं। पता नहीं आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ये मैं आपको वीडियो सुना, एक ऑडियो आई है, ये सुनाने लगा हूँ। मेरा मकसद बंदे का शो करना नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा कौन सी जगह का है, क्या है, मैं वो कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बताना मकसद यार ऐसा आके आप भी यूई के अंदर ऐसे आके रोना शुरू कर दोगे। ऐसे भी लोगों के साथ हालात हो जाते हैं। खुदाया ये देखो एजेंट लोगों के हाथ है यार, लोगों की जान छोड़ दो यार, बस काफी हो गया यार। कितना लोगों को आपने लूटना है मजीद यार, बहुत हो गया मेरे भाई। ये आइडिया सुन लें उसके बाद फैसला आप कीजिएगा, आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप फैसला कीजिएगा। मुझे अभी पता है बहुत लोग ये वीडियो शेयर नहीं करना पसंद करेंगे, बस सही है, सुन लेंगे इधर से निकाल देंगे, ना तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना करो, नो प्रॉब्लम यार ना करो, लेकिन कम से कम वीडियो शेयर कर दो, किसी का भला हो जाए यार। मैं फोन करें बंदा सुन, मैं चाहता हूँ फिर दुबई आने के लिए, मेरे को ऐसा सोचा चाहिए कि मैं दुबई फिर से आ जाऊँ। मेरे कोई नहीं माँ बाप, कोई नहीं बीवी है, तो बच्चे सर दुबई घर भी नहीं बनवाया अभी तक, मैं सत्र को आया सर, काम धंधा कुछ भी नहीं सर। मैं बोला वीजा लगाएगा, वीजा लगाया, वीजा नहीं लगाया, मेरा मेडिकल कराया, सिर्फ मेडिकल करा, मेरे कोई काम नहीं किया। अभी फैसला आप लोगों पे है यार, क्या करें बताओ। इन एजेंट लोगों को आप लोग जब पैसे देते रहोगे, ये एजेंट लोग आप पे अटैक करते रहेंगे मेरे भाई। ये देखें आप लोगों के भी हाथ है यार, पैसे बहुत मुश्किल से आप लेके आते हो, किसी कंपनी में आ रहे हैं किसी जगह पे, किसी भी एजेंट पे, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके आओ यार, मेहरबानी करो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके वहां से आओ यार। यहाँ पे आके वीजे पे आके एजेंटों के हाथ में ना रखो यार, बाद में आप बैठ के रोते हो, क्या होगा, यही होना है जो हो रहा है। ये देखिए सुन लिया ना आपने, ऐसा ही कंडीशन आपके साथ भी होनी है जब आपने बात माननी नहीं होती है ना, बोल बोल के तंग आ चुका हूं यार।